हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एकदम कमाल के होंगे। तो गाइस, हम आ चुके थे यहाँ पर और जो हमारे साथ पिछले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि ये गेट जो है हमने ओपन कर दिया था। जिन्होंने वो पार्ट्स नहीं देखे जा करके देखें, काफ़ी कमाल के पार्ट्स हैं और स्टोरी भी आपको काफ़ी अच्छी समझ में आएगी तभी ही। लेकिन फिलहाल हम जो है आगे बढ़ते हैं और पजल्स देख ही रहे होंगे आप जैसे कि कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन हम जो है हार मानने वाले नहीं हैं, तो पूरा फोकस करेंगे कि हम जो है इस गेम को जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट करें और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें। लेकिन फाइनली आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे काफ़ी सारे एनिमीज़ जो हैं बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। गेम 40% के आसपास अभी तक हुआ है और अभी 50% तो बहुत दूर है, तो अभी से इतनी परेशानी होने लग गई है तो आप समझ ही रहे होंगे कि गेम किस लेवल का है। ओके गाइस, देखिए थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, देखिए फिर से। ओके ये किधर, ओ यार क्या आ जाऊँ। ओके कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम कोशिश करेंगे इसे पार करने की। फाइनली गाइस, आप देख ही पा रहे होंगे कितना ही खतरनाक है, लेकिन इस बार हम चढ़ गए क्योंकि वो जो है गायब हो चुका है। मारा नहीं फिर गायब हुआ, अगर मारना पड़ता तो फिर अपना गेम ओवर कर पाते। ओके तो देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, इस बार हम थोड़ा केयरफुली चलेंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं अगेन। ओके थोड़ा सा इस बार पैटर्न को फॉलो करते हैं और निकलते हैं। ओके तो फाइनली गाइस हम आगे पहुंच चुके हैं। ओके तो यहाँ पे भी आपको जो है देखने के लिए मिल जाएंगे काफ़ी सारे, तो मैं इनको भी कर देता हूँ फायर ब्लोड। ओके तो गाइस ऊपर भी हैं, इनको मारते हैं। ओके तो फायर ब्लो भी, यार ये ज़्यादा काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि जंप भी करते हैं और एक साथ आ जाएं तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। और इसको भी मैं जो है करता हूँ खल्लास। तो गाइस पीछे साउंड आ रही होगी उसके लिए सॉरी चाहूँगा क्योंकि आज बारिश हो रही है, तो थोड़ा बहुत आप जो है एडजस्ट कर लें यार, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करूँगा फिर भी थोड़ा सा एडिटिंग में अगर क्लियर कर दूँ तो आई थिंक। लेकिन फिर से फायर ब्लॉक जो है आ चुके हैं, तो इनको भी जो है मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ और फिर बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की ओर। तो स्टोरी काफ़ी हद तक मैंने आपको समझा ही दी थी, फिर भी जो नए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूँ। हम निकले हुए हैं एक मिशन पे और हमें किसी ने एक कुछ मिशन दिया हुआ है, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई है जो हमसे काम करा रहा है वो, तो उनका संपर्क जो है मास्टर से था जो कि मर चुके हैं हमारे मास्टर, तो उन्होंने मुझे जो है ये काम करने के लिए दिया था क्योंकि वो खुद तो नहीं करेंगे क्योंकि उतनी उम्र के बाद कहाँ ही कर लें, और हम हैं एक समुराई तो जो है बेटर ऑप्शन था। फिलहाल देखिए यहाँ पे है शॉपिंग मॉल और मैं सोच रहा हूँ कुछ ले लूँ, पर मेरे पास यार ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इस ब्लेड को जो है ले ही लूँ। तो ये गाइस ये तलवार हम जो है ले लेते हैं क्योंकि इसका ब्लेड थोड़ा सा चौड़ा है, एनिमी को मारने में हमारा जो है काम काफ़ी आएगा। लेकिन फिलहाल आप देख ही रहे होंगे हाथ पकड़ने भी थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, तो अब शायद से हम जो है कुछ जल्दी जो है एनिमी को मार पाएँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टोरी को आगे कंटिन्यू। तो इधर तो बंद है गेट, फिलहाल अंदर ही जाना पड़ेगा। ओके तो कुछ थोड़ा सा खतरनाक माहौल जो है अब बन चुका है और फिर से पजल्स स्टार्ट हो चुके हैं। ओके 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 ओ फाई। तो गाइस पहली बार में जो है हमने ये नहीं किया, इसके लिए मुझे एक दो बार मरना भी पड़ा, तो वो पार्ट मैंने काट दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी जैसा कि आपको पता ही है, और लंबी हो जाएगी तो इसका मतलब थोड़ा सा देखने का इंटरेस्ट भी जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबी बनाऊँ क्योंकि थोड़ी सी स्टोरी आज आगे तक देखना चाहेंगे हम भी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी बनाने ठीक नहीं, लेकिन इस बार जो है हम सोच रहे हैं थोड़ी सी स्टोरी को समझ पाएँ तो जो ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो फिलहाल मेरी इससे फाइट हो रही है और ये देखिए देख रहे हो गाइस कितने खतरनाक जो है अभी से आ रहे हैं वो मेज़। तो इसको मैं जो है करता हूँ खल्लास। ओके 12% बहुत सही। तो गाइस हमने कर दिया है इसको भी ख़त्म और बढ़ते हैं आगे की ओर। ओह शायद से हमें यहाँ पे कुछ मिला बट कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक की तो नहीं मिली शायद से, पर कोई दिक्कत नहीं आगे कुछ है। ओह कहाँ गया। ओके तो गाइस इधर है एक रास्ता तो चलते हैं आगे की ओर। ओके तो फिर से शायद मिल गया हमें एक और मेज़, तो इसको भी मारता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये जो है आग भी छोड़ता है और इसके साथ जो है फायर ब्लॉक भी है, तो फायर ब्लॉक तो हमने ख़त्म कर ही दिए लेकिन हम इसको भी जल्दी से ख़त्म कर देंगे। ओके तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से,
टारगेट है 15K का, और जल्दी से करा दो पूरे ताकि मैं जो है आपको और जो है एंटरटेन करा सकूँ। अभी तो फिलहाल स्टोरी बेस ही चल रहा है, तो कोई इंटरेस्टिंग सा गेम आएगा तो थोड़ा सा और भी जो है मज़ा आने वाला है। ओके, तो मैं इनको भी कर देता हूँ खल्लास पहले जल्दी जल्दी से। ओके, तो आई थिंक दो ही तीन है अभी। ओके, इन्हें मारते हैं जल्दी से और नीचे चलते हैं। ओके, तो बढ़िया। तो गाइस आप आगे भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको जो है की मिल जाएगी या इसको गेट को खोलने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मैंने वो पार्ट काट दिया है क्योंकि वहाँ ज़्यादा इतना कुछ था नहीं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी। छोटे सा एरिया है तो आप जाके जो है आराम से ले सकते हैं और ये गेट आपको ओपन करने का मिल जाएगा। तो गाइस उसके बाद हमें मारना है इसको, मेज़ को, और ये देखिए आप कितना ख़तरनाक है। ओके, तो इसमें ख़तरनाक क्या है, ये आपको जो फायर है दो तरीके से छोड़ेगा, अभी फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम इसको क्या करेंगे, मैजिक बॉल से ही मारने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जितना हो सके दूर रह के, क्योंकि अगर हम उसके पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे, क्योंकि हम अभी थोड़े से परफेक्ट नहीं हुए हैं। हमें जो है एक सील्ड तो नहीं, आर्मर कह सकते हैं, उसे बॉडी आर्मर मिल गई थी, तो उसके लिए मुझे जो है 250 चाहिए थे यार मेरे पास, लेकिन उसमें थे नहीं। तो कोशिश करेंगे आगे के लिए बार से जो है कलेक्ट कर लें, ताकि हम जो है आर्मर ले सकें, बॉडी आर्मर, और जो है थोड़ा सा और जो है अपने आप को अपग्रेड कर सकें। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा वो शायद से, और हमारी जो है रक्षा भी अच्छी होगी, यानी हिट पॉइंट्स जो है हमारे थोड़े से बढ़ जाएंगे। देखिए गाइस, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, ये देखिए किस तरीके से छोड़ रहा है, सामने भी छोड़ रहा है, ऊपर की तरफ भी छोड़ रहा है, तो थोड़ा सा ख़तरनाक ये जो है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है बड़ा केयरफुली ये करने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा आई थिंक लगने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा हम जो है वेट कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा डैमेज अच्छा खासा दे दूँ, देखिए, जिससे कि जो है हम इससे फाइट बाद में ले सके आराम से। ओह तेरी। तो गाइस आई थिंक इसने हमें जो है दो हिट पॉइंट्स तो दे ही दिए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो इधर से मैंने इसको एक और देता हूँ, तो 60% गाइस ये रह चुका है अभी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी समय लग जाएगा इसको मारने में मैजिक बॉल से। लेकिन करना क्या है मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ पहले, अगर सही बैठता है तो मैं इसको जो है आगे ही जाके मारने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो बढ़िया, तो ये ठीक है। ओके, तो गाइस इसका मुंह उधर है, तो मैं सोच रहा हूँ हाँ बिल्कुल मैं इसको जो है एक दो हिट पॉइंट्स दे देता हूँ। ओके, ये भी आइडिया सही है जंप करने के साथ साथ। ओके, 17%, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, अरे शिट ओके शिट। ओके गाइस, तो हमने इसको मार दिया है बढ़िया तरीके से, और ज़्यादा डैमेज भी हमें नहीं मिला, जो कि हमारे लिए अच्छी खबर है। तो फाइनली गाइस हम बढ़ चुके हैं आगे। ओके, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पजल्स जो हैं थोड़े से हैवी होते जा रहे हैं और गेम इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है। तो फ़िलहाल हम जो हैं आ गए हैं ऊपर, और आई थिंक यहाँ पे कोई कैद है और कोई रोबोट टाइप है, और सामने भी कुछ है, शायद रोबोट ही है, पर कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको मारना हमें पड़ेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक है डार्क नाइट, तो इसको मैं जो है जल्दी से मार देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, इन्हें मारना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसके पास शील्ड भी है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस टाइम इसकी शील्ड जो है हट जाती है, उस टाइम मेरे को जो है एनर्जी बॉल मारनी है या अपनी स्वॉर्ड मारनी है, क्योंकि अगर मैं उसको वैसे मारूंगा तो वो ब्लॉक करेगा, या फिर ब्लॉक करने के बाद जो है एनर्जी बॉल मेरे को ही वापस आएगी, जिससे मुझे ज़्यादा डैमेज मिलेगा और जो मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और गाइस हमने इसको मार दिया है। यू वेयर इन योर मास्टर, ओके स्पीक टू हिम। तो आई थिंक ये जो है मास्टर से मिलना चाहते हैं। ही इज़ डेड, माय बेल हैज़ बीन, थैंक यू योर एक्सेप्ट ऑन द वर्ल्ड। ओके, तो गाइस मेरे ख्याल से ये किंग है। ओके, यही हैं जिन्होंने शायद हमें ठेका दिया है, क्योंकि इन्होंने हमारे गुरुजी से बात कर रखी थी, मास्टर जी से, तो इन्होंने मेरे को थोड़ा सा जो है गाइड किया है। तो आई थिंक यही हैं, और इनको हमें जो छुटाना है, अभी कैद में है, लेकिन अभी हम बढ़ते हैं आगे, और क्योंकि हमें इन्होंने जो है थोड़ा सा आइडिया दिया है। और स्वॉर्ड की जो हमें एक ब्लेड मिली थी उसके, क्योंकि उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनसे जो है ड्रैगन को हम शायद से मार पाएँ लास्ट में, तो वो हमें भी ढूंढने हैं फिलहाल। और देखिएगा इस नीचे भी जो है पजल्स आपको देखने के मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं और आप काफ़ी काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको जो है स्टेज में आगे जाने के लिए जो है आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं जो है इनको भी मार देता हूँ।
ओके तो फाइनली दो लाइट्स हमने जला दी हैं, तो अभी भी गेट नहीं खुला शायद से, तो आई थिंक कहीं और कुछ भी है, तो ऊपर जाते हैं। ओके तो यहाँ पे भी शायद से है। ओके ये भी जो है हो चुका है, तो आई थिंक मैं इसका वेट कर रहा हूँ ये आए, लेकिन ये नहीं यार, तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनली गेट खुल गया है गाइज। और उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके गाइज तो मैंने जो है चेक किया है, क्योंकि आगे हमें जो एक पजल्स दिख रहा है तो जो कि हमें काम आने वाला है, तो फिलहाल हम बढ़ते हैं। और गाइज जैसे कि आप देख रहे होंगे एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऊपर से जो है आप देख ही रहे होंगे जो है कांटे ऊपर से आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ। तो देखिए ये थोड़ी सी ट्रिक है, तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। एक दो बार मैं मरा हूँ भी हूँ इसको करने में, तो एकदम से नहीं किया मैंने भी कभी, आप सोच रहे हो एकदम से कर दिया, ऐसा नहीं है। एक दो बार मैं भी मरा हूँ, तो मैंने वो वीडियो कट कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो है जो जानकारी आपको चाहिए सीधे से वही मिल सके, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो फिर उतना ही समय जो है आपका ख़राब भी होगा, तो इस वजह से मैंने जो है काट काट दिया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे जो है ख़तरनाक जो है फायर बैट्स भी आ चुके हैं, और देख ही रहे होंगे कितने ख़तरनाक हैं और कितने ख़तरनाक पजल्स आ रहे हैं। एक तरफ से आग के गोले आ रहे हैं, एक तरफ से फायर बैट आ रहे हैं, भाई साहब तबाही मचा रखी है बिल्कुल। और जैसा कि अभी गेम जो है 40-50% भी नहीं हुआ, तो थोड़े से जो है टफ लेवल अब यानी आने शुरू हो चुके हैं, और गाइस आने वाले समय में भी जो है आपको एक से एक जो है टफ स्टेज जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जुड़े रहने के लिए आप जो है लाल कलर का बटन जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर से प्रेस कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो है हमारी नई वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, जिससे हम जो है आपसे जुड़े रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ अपना सजेशन देना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जो है आप नीचे छोड़ सकते हैं, और कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, कोशिश नहीं रिप्लाई करूँगा ही करूँगा 101%, क्योंकि आई है यार सब, तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे की ओर, पजल्स जो है ख़तरनाक है, लेकिन इसको पार करना उतना ही महाभारत काम हो रहा है यार, तो देख ही रहे होंगे आप इतनी बार जो है मैं मर चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है एकदम से पार कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं जो है आपको कुछ जगह दिखा भी रहा हूँ कि मैं कितनी बार मरा हूँ, ताकि जो है आप ये ना समझे कि जो है एकदम से पार कर दिया, तो सब परफेक्ट नहीं होते एकदम से, धीरे धीरे जो है आप प्रो होते जाते हैं गेम में, और आपको सीखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। तो यहाँ हमें चाहिए एक की, और फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो हम जो है ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और ढूंढते हैं एक की। ओके ओके तो गाइस एक और पजल आपके सामने है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे दोनों तरफ स्विच है, और बीच में जो है एक स्लैब को जो है हटाने के लिए, तो आपको दरअसल करना क्या है, ये फायर जो है आपको उस एरिया में पहुँचानी है, तो एकदम से फ्रेश करने के बाद, तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, तो करते हैं गाइस 1 2 ओके तो फाइनली गाइस देख ही रहे होंगे आपने, मैंने फायर जो है उधर पहुँचा दी, यानी आपको एक बार प्रेस करके दूसरी तरफ से एकदम से पलट के जो है उसको मारना है, ताकि ऊपर का एरिया खुल सके और आप जो है आराम से चाबी को कलेक्ट कर सकें। तो ये थोड़ा सा केयरफुली करना है, काफ़ी फास्ट करना है, काफ़ी समय जाएगा आपका, मैंने पहली बार में कर लिया लेकिन समय काफ़ी सारा लिया, क्योंकि एक दो बार मिस भी हुआ, तो वो थोड़ा सा आपको जो है देखना है, बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल आ चुका है हमारे पास एक और डार्क नाइट, जो कि ख़तरनाक है। देखिए शील्ड से टकराने के बाद दोबारा से मेरे को डैमेज मिला, तो वो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, तो इस वजह से आपको जो है अटैक जो करना है शील्ड हटने के बाद करना है, ताकि इसको डैमेज भी मिले और आप जो है थोड़े से सेफ भी रहें। तो देखिए जैसे कि मैंने एक दो अभी मैजिक बॉल्स मारे हैं, देखिए जैसे वो तलवार को जो है आगे कर रहा है, तभी मैं जो है मैजिक ब्लेड छोड़ रहा हूँ, या तलवार से जो है वार कर रहा हूँ तभी उसको हिट मिल रहा है, लेकिन अगर वो शील्ड लड़ा लेता है तो तब उसको नहीं मिलता, तो तब उसका ब्लॉक होता है, देखिए जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। लेकिन शील्ड पे भी मारना ज़रूरी है, तभी जो है आप बच पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको पीछे नहीं हटाएंगे तो ये आपको जो है एंड में ले जाएगा, और वहाँ पर जो है आपके बचने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो लगातार फायर नहीं करते रहना है, मौका देखने के बाद कर देना है काम तमाम। तो काफ़ी हद तक जो है हमने इसको फाइट में टक्कर दे दी है, तो 19% हो चुका है, और काफ़ी मेहनत लग रही है इसको मारने में। ओके जब आप इस गेम को प्ले करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी देखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप साउंड के साथ इसको खेलेंगे और एक्सपीरियंस को जो है बढ़ाएंगे तो आपको जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एक बार से प्ले जरूर करके देखें, और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम को यार खेलने में। तो आई थिंक
आगे बहुत कुछ है इसमें। तो गाइज फाइनली हमने इसको मार दिया है और बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे हमारे पास क्या चीज़ है। ओके तो अचीवमेंट्स जो है अनलॉक हो चुकी हैं इन्हें फोड़ने के बाद, तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कुछ क्या नया आता है। आई थिंक तो गाइस बढ़ गए हैं हम आगे। ओके तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं एक और नई जगह पे, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या। ओह आई थिंक ओह तेरी बॉस, ओ भाई बॉस से टकरा, ये क्या था भाई उधर से इधर सीधा। ओ गाइस जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए ये कुछ देर इधर फायर करता है फिर वापस से यहाँ जाता है, तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। मैं इसको करने में भी 2-3 बार मारा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो है अपना जो है स्थान ही बदलता है और काफ़ी सारे जो है हिट पॉइंट्स इसको चाहिए भी। और जैसे कि आप देख रहे होंगे फायर तो भाई साहब खतरनाक छोड़ रहा है, तो आप काफ़ी सारी मेहनत करनी है जैसे ये आए और उसका वेट करना है और फिर से जो है हिट पॉइंट्स देने हैं और फिर से जो है नीचे चले जाना है। तो ये जो है आपको प्रक्रिया काफ़ी देर तक जो है करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आप इसको मार पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मारना किसी और तरीके से। देखिए गाइस 40 ओके यार गाइस मैं पहले ही अपनी मर्जी से खुद ही गिर गया, तो ये मेरे लिए बैड न्यूज़ है। तो जैसे कि आप 69% कर दोगे तो ये अपना स्थान बदल देगा जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, लेकिन बदले या ना बदले कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैं जो है इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो गाइस यहाँ इसको मारने के लिए भी यहाँ पे जो है एक ट्रिक है, तो आपको जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे खड़ा होना है और आपको जो है इनको मारना है उससे, तो इनको मारना है और उसके बाद जो है आपको मिल जाएंगी एनर्जी बॉल्स, काफ़ी सारी एनर्जी बॉल्स ही मैंने कहता हूँ, तो काफ़ी सारी एनर्जी बॉल्स मिल जाएंगी और वहीं से आपको जो है इनको इसको मारना है जिससे इसको हिट पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ से आप इसको आसानी से मार पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप कहीं कोशिश वैसे करेंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाने वाला है आपके लिए यहाँ से, लेकिन आप इसे जो है आसानी से मार पाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये मानता हूँ मैं, लेकिन आप जो मार पाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे जो है प्लेयर हैं, आई मीन अगर आप जैसे कि हमारे पास समुराई है और आप कब काबिलियत है समुराई वाली, तो आप जाके जो है वहाँ पे भी ठोक सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो फिलहाल तो मैं इसको सिंपल तरीके से मारने वाला हूँ क्योंकि मैं जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और जल्दी से जल्दी इसको मार के जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि हम स्टोरी जान सके कि चल क्या रहा है। तो फिलहाल हमें जो है एक ठेकेदार मिल चुका है, आई थिंक मेरे ख्याल से वो किंग था कोई, तो जैसे कि हम जान ही पा रहे हैं कि किसी किंग को जो है किसी ने किडनैप कर लिया है और उसकी रियासत को जो है कब्जा लिया है, तो उसको हमें शायद से बचाना है। उसके लिए जो है हमारे मास्टर से इन्होंने जो है बात की थी, तो जैसे कि आपने पीछे ही देखा ही उन्होंने मास्टर के बारे में पूछा भी, तो आई थिंक ये कन्फर्म हो चुका है कि उन्होंने जो है मास्टर से कोई डील की थी और मास्टर ने जो है मुझे इस काम के लिए लगाया था। तो फाइनली अभी डील तो कंफर्म नहीं हुई कि क्या चीज़ है, तो आने वाले समय में जो है कंफर्म हो जाएगी, तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो फिलहाल हम जो है इसको मार रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल 40% ही गाइस ये हुआ है और देखिए फिर से इसने जो है अपना स्थान बदल दिया है जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो जैसे जैसे आप इसके नज़दीक जाएंगे उसको मारने की कोशिश करेंगे तो आपको ट्रिक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी वरना आप इसे नहीं मार पाएंगे, तो काफ़ी समय लगने वाला है इसको मारने में। मैंने भी काफ़ी सारी कोशिश की इसको मारने में और आखिरकार जो है मैं इसको मारने में कामयाब भी रहा। तो यहाँ पे ट्रिक गाइस आपको क्या है, आपको जैसे ही यहाँ पे आएगा तब इसको हिट पॉइंट्स देने हैं, वरना जहाँ मैं छुपा हूँ वहाँ पे छुप जाना है। जैसे इधर से फायर करेगा तब भी यहीं पे रहना है, लेकिन जैसे ऊपर आएगा तो आप ही आ जाना है एकदम से। तो जैसे ये बीच में आएगा तब उसको हिट पॉइंट्स देने हैं, तो ऐसा आपको कई बार करना पड़ेगा तब जाके इसको जो है आप मार पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फिलहाल देखिए जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, तो अभी मैं थोड़ा सा इसको जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो इस बार हम कोशिश करेंगे उसको हिट पॉइंट्स देने की। ओके तो हम ऊपर आ चुके हैं, लेकिन एक दो करने के बाद ये जो है हमें थोड़ा सा हिट दे देता है जो कि हमारे लिए बैड न्यूज़ है। तो इस बार हम जो है थोड़ा सा सेफली करेंगे ताकि एक दो हिट्स इसको ज़्यादा दे पाएँ। ओके तो इस बार दो हिट्स हम इसको दे पाए, तो 32% गाइस ये हो चुका है, तो इसको जो है आपको काफ़ी मेहनत तो लगने वाली है गाइस। देखिए यहाँ पे फिर से जो हमने इसको दी, ओके तो 30% यानी एक ही हिट हम इसको दे पाए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके तो दो हिट इस बार भी दिए हैं, तो 26 जो है
बच चुका है। तो ऐसे करके जो आपको गाइस को थोड़ा सा मारना है और काफ़ी टाइम तो लगेगा यार गाइस, देखो टाइम तो लगने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से हमें जो है इसको मारते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले मिशन की ओर। ओके गाइस, तो 3% जो है रह चुका है, यानी इसको जो है एक दो हिट पॉइंट चाहिएंगे आई थिंक, और ये खल्लास तो एक हिट पॉइंट और। ओके तो गाइस हमने इसको मार दिया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हमने जो है इसको मार दिया है और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके तो गाइस फाइनली हमें जो है पिछली बार तलवार का जो है ब्लेड मिले थे, और इस बार मिल गया है हमें उसका हैंडल। तो आई थिंक हमारी तलवार को जो है पूरा होने में काफ़ी कुछ ही कम समय है, जिससे कि जो है वो पूरी हो जाएगी। ओके वेल डन हीरो, बट देयर इज मोर शेडर्स यू हैव। ओके तो जैसे कि मैं कह ही रहा हूँ कि हमें और शेडर्स चाहिए, यानी इसके कुछ और पार्ट्स हैं जो हमें चाहिएंगे बाद में उसे लड़ने के लिए, क्योंकि हम उतने ताकतवर अभी नहीं हैं, तो उस तरीके से जो है हमें भी सामान चाहिएंगे जो कि हमें आगे जाने के बाद मिलेंगे। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ शॉपिंग में और सोच रहा हूँ कि कुछ और ख़रीद लूँ यहाँ पे। तो देख ही रहे होंगे आप जो है बॉडी आर्मर जो है 300 डायमंड्स का है, पर मेरे पास 155 है, तो भाई गरीब आदमी है तो इतनी औकात नहीं है, तो कुछ सोच रहे हैं। ओके तो ये 150 का है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ही जो है बाय कर लूँ, ताकि हम जो है अपनी तलवार को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकें, थोड़ा सा ख़तरनाक कर सकें। तो देखिए गाइस हमने इसको ले लिया है, और अभी मैं जो है इसको तलवार पे आपको लगा के भी दिखाता हूँ कि कैसा ये जो है टेक्सचर देगा और कैसा लगने वाला है। तो यहाँ से आप जो है इस तलवार में ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस फायर जो है हमारी तलवार में आ चुकी है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Fuck off.